हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुकरी पॉइंट। दोस्तों, आज हम टिफिन के लिए जो है कि फटाफट बनने वाली एक सब्जी बनाने वाले हैं। सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, कुरकुरे बनेंगे, आप साइड डिश में भी यूज़ कर सकते हो इसे। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये कुनरू, इसे कहते हैं, कोई किंदरू कहता है, कोई कुनरू कहता है, महाराष्ट्र में इसे तोंडली कहते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में बारीक बारीक एकदम पतला पतला इसे काट लिया है जूलियंस में। फिर इसके बाद हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर, मैंने आधी छोटी चम्मच भर कर लिया हुआ है, आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर की हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सब्जी बनाने के लिए ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने हर बार की तरह पैन में डालकर ऑयल को पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया है। तो ये सब्जी जो है लगभग 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी, पर यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने एक बड़ा चम्मच भरकर इसमें ऑयल डाला हुआ है, और जो हमने कुनरू लिए हुए हैं या किनरू लिए हुए हैं वो है 250 ग्राम, जिन्हें मैंने अच्छे तरह से कट कर लिए। जैसे ही हमारा ऑयल जो है हॉट हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे ये, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से ऑयल में जो है इसे मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी पानी लगा हुआ था धुलते वक्त या काटते वक्त, इसमें इसका जो मॉइस्चर है वो हम थोड़ी देर के लिए, यानी 1 से 2 मिनट तक सिर्फ मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। अब मैंने 1 मिनट भूनने के बाद इसे इस तरह से फैला के रख दिया है। जब ये 1 से 2 मिनट और हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तब हम इसे फिर से स्टर करेंगे, और फिर इसमें हम पहले ऐड करेंगे नमक। 1 से 2 मिनट इसे लगभग भूनते हुए हो चुके हैं, आप देख सकते हो कोई कोई का ऐसे इस तरह से जो है कलर चेंज हो चुका है। तब पहले हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, फिर इसे स्टर करेंगे। ये हमने नमक ऐड कर दिया है, अब हम इसे इस तरह से स्टर करेंगे अच्छी तरह से। हमें ये सब्जी जो है ढक्कन लगाकर बिल्कुल भी नहीं पकानी है, क्योंकि हमें इसे कड़क करना है, इसीलिए हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप बाद में इसे फैला कर रख दें, और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट तक, 1 मिनट तक फिर से हम इस तरह से नमक के साथ इसे पकने के लिए रखेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें मसाले। हमारी पूरी सब्जी में आप देख सकते हो इस तरह से कलर आना स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमारी सब्जी जो है अभी पकने की मोड पर है। तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड बाद आप देख सकते हो हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, पक गई है। तो इस वक्त हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और इसे भी इन सारी चीजों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। मसाले कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, आप कम या ज्यादा कर सकते हो। हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ही कम हो गई है, पकने के बाद ये बहुत कम हो जाता है, और टिफिन के लिए तो एकदम बेस्ट है ये। आप इसे कभी भी बना सकते हो टिफिन के लिए, हेल्दी तो होता ही है, हमारे पेट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ये ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, वरना नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं। इस तरह से हमारी ये सब्जी बनकर एकदम रेडी है, कुनरू की सब्जी जो कि बस 5 मिनट में बन जाती है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों में हमारे वीडियोस को शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियोस बनाएंगे तो वो देखने का आपको सबसे पहले मौका मिले, इसलिए आपको बेल आइकन तो ज़रूर ज़रूर दबाना है। तो इस तरह से ये टेस्टी टेम्पटिंग साइड डिश कहिए या फिर कुनरू की सब्जी कहिए, तो बनकर रेडी है बिल्कुल 5 मिनट में।
तो आप इसे जरूर जरूर बनाइए और अपने अनुभव हमारे चैनल पर यानी कुकरी पॉइंट पर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।